يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي. السلام عليكم you are, I hope you all are good. I'm here today in Smolet Park at Imran Khan PTI protest happening in Smolet Park. So guys, if you do like this video, please do hit the subscribe button, like, share and subscribe to Watch Blog YouTube channel, and keep sharing it with other people as well. Thank you. So let's go. So the protest is about to kick off. It's about 3 o'clock afternoon time, Sunday, and a lot of people has been gathering PTI protest. So let's go closer to it. And guys, if you do like the video, please do hit the subscribe button, like, share, and subscribe to Watch Blog YouTube channel. My question. Assalamu alaikum. So what would you want to say? What's going on? PTI, yeah? PTI protest. One, two, three. Yes, brother, you're right. Yeah. What would you want to say? Brother, hum sab jo hai na इमरान खान के लिए आए हैं, और इमरान खान जो है ना, उसके साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने के आए हैं। हम सब इधर आए, अपने बच्चों को भी साथ लेके आए हैं, अपनी फैमिलीज को भी लेके आए हैं, और हम जो है ना सिर्फ इमरान खान के लिए आए हैं। सही बोला। तो इमरान खान कैदी 804 उसके साथ जो जुल्म पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, वो आवाम को नहीं बता रहा कि उसके साथ अंदर क्या हो रहा है। सही बोला भाई जी। तो ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग आवाज़ उठाएं कि उसके साथ जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, और उसकी बीवी बेगुनाह जो उधर उन्होंने अभी 2 साल हो गए ना, 2 साल हो गए हैं उसकी बीवी जो सियासत में जिसका हिस्सा भी नहीं है, एक बार पर्दा औरत है, और उसको भी उन्होंने 7 माह हो गए हैं कैद तनाई में उन्होंने। बहुत जुल्म हो रहा है, अल्लाह देखता है सब कुछ। तो अल्लाह पाक इंसाफ करे और जालिमों को सजा, चोरों गद्दारों को सजा दे, और हमारा लीडर, हमारा मुर्शिद, हमारा हीरो सिर्फ इमरान खान है। सही बोला। इमरान खान जिंदाबाद। अभी उधर भी क्रैकडाउन स्टार्ट है ना, उधर वो होटल वालों को भी मना किया है कि अगर जो है इनको खाना पानी देगा तो हम आप एक्शन लेंगे। और टी में तो उन्होंने कहा कि हमने रमजान के रोजे भी रखे हैं, भाई रोजा रख लेंगे। सही बोला। बहुत जुल्म हो रहा है यार, जुल्म। ये फिरौन है, फिरौन, फिरौन से भी आगे हैं, दो काजी और मुनीर दोनों फिरौन से भी आ गए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। अंकल, आपका क्या पैगाम है इमरान के लिए? इमरान के लिए मेरा पैगाम है, ओ पाकिस्तानियों, तुम खुशकिस्मत हो गए, तुम्हारा कायद इमरान खान है। इमरान खान वो चीज है जिसने हमें 70 साल से जो हम सोए हुई कौम थे ना, हमें जगा दिया है। कुछ खुदा का खौफ करें, अपने बच्चों पर रहम करें, उसका साथ दें, घरों से निकलें। अगर नहीं निकलोगे तो ये आपके बच्चों को खा जाएंगे। हमारा आवाम नहीं सोई हुई है, सो रहा पैगाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और आप भाई जान, आप क्या बोल रहे, हमारा राय क्या है? हमें हकीकी आज़ादी के लिए निकलना पड़ेगा, इस गुलामी, हमेशा की गुलामी से हमें छुटकारा पाना पड़ेगा, नहीं तो सारे हमारी आने वाली नस्लें भी कभी आज़ादी नहीं हासिल कर सकेंगी। ये जो पक्के गुलाम हम बन के बैठे, उस बीवी के साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है भाई। हमारे हर अदारे में गुलाम बैठे हुए हैं, हर जगह पे सिसिलियन माफिया बैठा हुआ है जो इनके कंट्रोल में है। इमरान खान कुछ करना भी चाहता था, कुछ नहीं कर सका। अभी देखो ना, मुल्क का अभी डिफॉल्ट हो रहा है ना, महंगाई हो गया, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इतनी ज्यादा महंगाई है कि लोग बिलों उनके लिए बिल ऐसे हैं जिस तरह उनके सच
डर के बैठे थे कि बिल आएगा तो क्या बनेगा। आज भी क्रैक डाउन कर रहा था वो जलसे पर। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है। उस भाई ने बोल दिया पानी नहीं दे रहा है। भाई जान, लोग आपने गुर्दे बेच रहे हैं, आंखें बेच रहे हैं, घर का खर्चा बिजली के बिलों के लिए, सही बोल। हकीकत है उसका करप्शन हवा में से निकलते, ये क्या जुलम है यार। निकलना पड़ेगा, सही बोल। एक ही हल है, लोगों को बाहर निकलेंगे तो फिर आजादी मिलेगी। कोई रीजन कुछ जो मर्जी कुछ कर ले, कोई अदालतें आपको कुछ इंसाफ नहीं देंगे। सिर्फ बाहर निकले, लोगों को इकट्ठे होकर बाहर। और इतना जुल्म मैंने जिंदगी में भी नहीं देखा भाई। वो छोटो छोटो को भी नहीं छोड़ते, बच्चे नहीं है जिसके साथ ये फ्लैग होते हैं उसको भी उठा देते। हाँ जी, औरतों को, किसी को, बुजुर्गों को, किसी को माफ नहीं कर रहे हैं। जुल्म की इंसाफ को छू कर उससे भी आगे निकल गए हैं। और ये हमने खुद आजादी छीन ली है। ये 2024 का फेरोन निकला है। एक ही हाल है, बाहर निकलना पड़ेगा। सही बोला। निकलेंगे अपनी आजादी के लिए, फिर ये आजादी मिलेगी। वैसे आजादी इनको हमारे जो कौम का लोग नहीं है वो बोलते हैं मेरे को क्या, ऐसा बोलता है। ये मेंटालिटी ये गलत है। हमें एक होना पड़ेगा, एक कौम बनना पड़ेगा। सही बोला। हम जब तक कौम नहीं बनेंगे, पटवारियों को तो भगा दिया, वो तो सारे गंजे हो गए। समझ तो आ गई है, पर हर जगह पे इनके अपने लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है पाकिस्तान को। और देखिए हर जगह कमिश्नर इनके बैठे हुए हैं। कमिश्नर का पता ही नहीं चला वो जिंदा है मुर्दा है। जिसने सच बोला है, जिसका जमीन ज्यादा है, उसका पता ही नहीं चला वो किधर है। देखिए जहांगीरी, तारक जहांगीरी इमरान खान खड़ा हुआ है, उसने केसेस बनाए हैं। जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी खुद ही कह रहे हैं कि ये कट्टर मुसलमान है, क्योंकि वो चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है। अभी देखो वो जेल में बैठा, अल्लाह उसको इज्जत देता है। जो है बाहर है उसका इज्जत नहीं हो रहा है। उसको कट्टर मुसलमान। खान भाई, बात असल में ये है कि वो ही तो जेल से बाहर है, बाकी तो सब जेल में जो जमीर के मुताबिक बात करता है। शुक्रिया भाई, थैंक यू। इन्ना अतैना कल कौसर فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। और फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला जूम कर के रही है ये खुशबू चमन के गुलों में कहां। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहां जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। आखिरी शेर, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। लंबा।
माशाल्लाह बहुत अच्छी सूफी शख्सियत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इनको मैंने अभी अभी कहा तो इन्होंने कहा ठीक है मैं अभी सबसे पहले तो मैं अपने जितनी भी मेरी बहने जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग बच्चे मीडिया वाले पहले आए थे कुछ चले गए हैं और थोड़ी देर के बाद वो दूसरे प्रोग्राम की कवरेज करके आएंगे, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने अपनी टाइम निकाल के, आज संडे का रोज है जाहिर है बच्चे घर हैं तो उन्होंने टाइम निकाल के वो यहाँ पे तशरीफ लेके आए, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं एक आप लोगों के लिए ही बहुत सारी क्लैपिंग हो जाए कि आप लोगों ने आज एफर्ट की यहाँ पे आने की। इसके बाद आज के प्रोग्राम के हवाले से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 8 सितंबर 2024 को हमारे कायद इमरान खान ने एक पाकिस्तान में जलसे की कॉल दी थी कि जहाँ जहाँ पे भी लोग हैं वो इस्लामाबाद जलसे पे पहुँचे और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए और वो खान साहब की आज़ादी के लिए हमारे क़यादत के जो लोग काफ़ी अरसा से जेलों में बंद हैं उनकी आज़ादी के लिए और पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी के लिए लोग निकले और सही मायनों में जो है पाकिस्तान को आज़ादी दिलाएं। तो हमने खान साहब की कॉल को फॉलो करते हुए हमारे यूके में भी कुछ जगहों पे जो है वो जलसों की कॉल दी गई, जैसा कि आज हमने बर्मिंघम में भी कॉल दी थी और जिसका जो लोग जिन लोगों तक आवाज़ पहुंच पाई वो यहाँ पे पहुँचे, जिन तक नहीं पहुँच पाई इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो हम जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो वो हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे इस वक्त जो ज़रूरी है वो रूल ऑफ लॉ है। तो मैं अपनी ये छोटी छोटी जो हमारी लोग यहाँ पे आए हैं उनसे मैं गुजारिश करना शुरू करूँगी ताकि वो आएं और आज के हवाले से, सिर्फ आज के हवाले से, हमने किसी अदारे के बारे में बात नहीं करनी है, हमने किसी को बुरा भला नहीं कहना है, हमने अगर कहना है तो कहना ये है कि हमारे खान साहब को, हमारी क़यादत के लोगों को, हमारे आम वर्कर्स को रिहा किया जाए और जो पाकिस्तान में जुल्म और सितम की रविश चल चुकी है उसको ख़त्म किया जाए। खुदारा हम आज इस बर्मिंघम के जलसे की तवज्जो से हम अपने अदारों को पैगाम देते हैं कि आप खोश के नाखून लें और पाकिस्तान में जो है वो रूल ऑफ लॉ काम करें। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे हमारे सलीम शहजाद साहब हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि ये हमारे मीडिया पर्सन हैं, मीडिया के लिए काम करती हैं, लेकिन माशाल्लाह इनका जो ताल्लुक है खान साहब से बहुत अरसा से है, पाकिस्तान के बानी लीडरों में से ये हैं, तो इनसे गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपने थोड़े से टाइम के अंदर अपने मुख्तसर ख्यालात का इजहार करें। सलीम शहजाद साहब, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दूर नज़दीक से आने वाले सारे दोस्तों को सुमालित पार्क में कंट्री रोड पर मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अफराद थोड़े हों या ज़्यादा हों, एक जज्बे से, एक मेहनत से, एक मोहब्बत और एक जुनून से काम करते हैं और आपका जुनून आज नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, आपके लिए बहुत सारी तालियां। छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियां देख रहा हूं, आंखों में चमक उनकी देख रहा हूं, एक इरादा, वलवला, हौसला और उनकी जुरत को देख रहा हूं, उस जुरत को सलाम पेश करता हूं। अभी स्टेज से किसी ने ये आवाज दी जब मैंने बात शुरू की कि अफराद थोड़े हों या ज्यादा हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। कल आज से 27-28 साल पहले जब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन कैदी नंबर 804 और आपके महबूब लीडर और इस मुल्क के, पाकिस्तान के कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद उनके जानशीन, उनके राइट हैंड, उनके नजरिए पर चलने वाले और उसके नजरिए पर इस मुल्क को चलाने की ख्वाहिश रखने वाले इमरान खान ने जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी तो
तो अफराद थोड़े हों या ज्यादा हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब वो बिल्कुल अकेले थे, एक वोट के मालिक था इमरान खान तब। अब इस मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी पाकिस्तान को बचाने के लिए आप लोगों की तरह बाहर निकली हुई है, इस पर आपकी अजमत को सलाम। मैं इमरान खान साहब से कैंसर अस्पताल की जब उन्होंने जदोजहद शुरू की, फंड रेजिंग का मामला था, तो मेरा सफर उनसे तब शुरू हुआ। पार्टी बनी, मैं सबसे पहला मेंबर बना, मेरी रुकनियत फॉर्म खान साहब के दस्ते मुबारक से दर्ज हुआ, मैं उनके साथ बैठा था। मैंने उन्हें इस पूरे सफर में इंतहाई ईमानदार और पाकिस्तान के साथ, आपके पाकिस्तान के साथ बड़ा मुखलस देखा। उन जैसा ईमानदार लीडर मेरी 46 ईयर की इस जर्नलिज्म की साफ़ती जिंदगी में उन जैसा कोई ईमानदार लीडर मैंने नहीं देखा। आप लोग बड़े खुश नसीब है कि एक बहादुर अनथक न डर न झुकने वाला न झुकने पर मजबूर करने वाला लीडर आपका लीडर है। सीसा अप्लाई हुई दीवार बन के रहे दोस्तों। आज जिस तरह सिस्टर आसिया सैन, मोहम्मद जफीर और नफीसा मलक और जितने भी साथी हैं यहाँ पर, नवीद खान समेत, ने इमरान खान की काल पर आपको यहाँ पर बुलाया है। इन्होंने उस वफादारी का कर्ज फर्ज समझकर अदा किया है। इस फर्ज और कर्ज को आप ऐसे आने वाले दिनों में कैसे निभाएंगे ये वक्त बताएगा। आपके इरादे, आपकी आंखों में चमक, आपके हौसले जुगनू बनकर रात की तारीकी में जिस तरह लोग चमकते हैं, हमारे दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं, जुगनू भी नाम है इनका भी, आने वाले दिनों में आप एक सीसा पलाई वाली दीवार है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? जिस तरह ये सलीम शाह साथ साथ हमारे पाकिस्तान के बानी मेंबरों में से थे, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाती हूँ कि वो पाकिस्तान के तो हैं ही, लेकिन वो यूके और यूरोप के फाउंडर मेंबर्स में से हैं। उनका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो इतनी दूर से सफ़र करके यहाँ पर आए हैं। तो अकरम तरीजा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, प्लीज़ आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने सफ़र के बारे में, जो आपने खान साहब के साथ सफ़र किया, जो आपने यूके और यूरोप के फाउंडिंग मेंबर होने का हक अदा किया, उसके बारे में आप अपने ख्याल का इजहार करें। अकरम तरीजा साहब। खान साहब
आप नॉटिंघम के अंदर अगर गूगल पे जाए तो आपको नजर आ जाएगा कि ये तहरीक इंसाफ मेरे घर पे ही बनी। इमरान खान साहब तशरीफ लाए और यूके यूरोप की पार्टी बनाई गई और 2010 तक मैं यूके यूरोप का चीफ ऑर्गेनाइजर था। बाकी आप वो टाइम देखें कि जब हम यहाँ जाते थे चंद ही लोग होते थे। इसी बर्मिंघम के अंदर एक सोहो रोड पे एक मिठाई वाले की शॉप थी, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। तो एक आदमी हमें सिर्फ यहाँ पे वो मिला जिसको हमने बर्मिंघम का जो है ना वो सदर बनाया। बहुत से शहरों में जाते थे, लोग हिमायत करते थे, लेकिन जब हम उन्हें कहते थे कि आओ पार्टी में शामिल हों, पार्टी बनाए, तो लोग आते भी नहीं थे। तो हमने वो चंद लोगों की भी पार्टी देखी है और लाखों करोड़ों की पार्टी आप मौजूद है वो भी आपके सामने है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जो मकसद है उसको आगे रखना चाहिए। मकसद क्या है? मकसद बड़े वाजे है। देखिए, मैं खुद धनेजा फैमिली, हमारी फैमिली खुद सिंध से है, हमारे सारे धनेजे वजीर है, ये है शुरू से पीटी पार्टी में। लेकिन मैं वह आदमी था जो पीटीआई ना सिर्फ बनाने में इमरान के साथ खड़ा हुआ। हम ये समझते थे, हम ये चाहते थे कि इमरान खान एक नया आदमी है और ये अगर पावर में आ गया तो ये दूसरों से मुख्तलिफ होगा। और हकीकत भी यही है क्योंकि इमरान खान ना किसी जगीरदार फैमिली से ताल्लुक है ना किसी सरमायेदार फैमिली से ताल्लुक है। और आप देखें कि 3 साल में बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, इमरान का फरिश्ता तो नहीं है, लेकिन उसने ऐसे काम शुरू किए कि यहाँ तक कि हर ओवरसीज में मैं बात कर सकता हूँ कि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश थी ओवरसीज, नौजवान हर ये चाहता था कि वो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करे, अच्छी जॉब करे, कुछ ना कुछ वो मुल्क के लिए करे। तो ये थोड़ी सी अरसे में बहुत से लोग किस्तों में बेचारे डूब के मारे जाते हैं, बहुत से लोग वर्क परमिट पे लीगल इलीगल यहाँ पर मौजूद हैं, हर रोज यकीन जाने यहाँ पर आते हैं लोग पैसे दे के बेचारे आए हुए हैं, किसी के पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, ना वो पाकिस्तान जाने के काबिल है ना यहाँ रहने के काबिल है। आखिर ये ऐसी क्या बात है? बात सिर्फ एक ही है कि लोगों के इतने मसाइल बढ़ चुके हैं और तो और छोड़े अखबार में रोज कच्चे के डाकू का जिक्र आता है। ये कच्चे के डाकू जिनका रोज जिक्र आता है, खुद हमारे मेरे अपने इलाका भी उसी में आता है। हम देखते हैं कि इस हकूमत से चंद डाकू जिनसे कंट्रोल में नहीं हो सकते, उसमें सिंध की गवर्नमेंट है, कच्चा खुद ही डाकू है, पंजाब की गवर्नमेंट रुझान है, वो आता है, थोड़ा बलोचिस्तान का इलाका भी आता है। तो जब एक चंद डाकू उनसे कंट्रोल में नहीं आ सकते, क्या समझते हैं क्या वो मसाइल उनका क्या? वीडियो ये कहते हैं टाइम थोड़ा Thank you.